हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ऑल अगेन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सफिशियंस कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो इससे पहले वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी कॉन्ग्रुएंसी डिटेल में पूरा इंट्रोडक्शन बताया था ट्राइंगल का, और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पर लेकिन जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि तीन साइड अगर बराबर हों, एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के बराबर, ठीक है, तो वो ट्राइंगल हो रहे थे कॉन्ग्रुएंट। पर लेकिन जरूरी नहीं है हर वक्त तीन साइड दे, कुछ और कंडीशन दे दे तब ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। इसलिए हमारा आज का क्या टॉपिक है, सफिशियंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कुछ सफिशियंट कंडीशन दे दो तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसमें हमने दो पार्ट रखे हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में क्या है वो देखिए। पार्ट वन में मैं कवर करूंगा का सबसे पहले SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है साइड एंगल साइड। सेकंड ASA कॉन्ग्रुएंसी, और थर्ड आपका होता है AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। और फोर्थ आपका होता है SSS कॉन्ग्रुएंसी, और फिफ्थ आपका होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इन सब कॉन्ग्रुएंसी का हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम SAS देखेंगे, फिर हम ASA देखेंगे, फिर AAS देखेंगे, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह देखने वाले हैं, फिर इनको करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट नोटेड डाउन कर लिया होगा आपने वीडियो स्टॉप करके, नाउ आई एम अरेंजिंग इट। तो अब डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले मैंने इसका स्टेटमेंट लिख दिया है आपके सामने। तो ये देखिए, इसमें ये बोला है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कब, इफ टू साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंड इंक्लूडेड एंगल। अगर दो साइड है ट्राइंगल की और उसके बीच में जो एंगल है अगर उसको मैं ले लूं, अगर वो आपका बराबर है दूसरे किसी ट्राइंगल की दो साइड और उसके बीच में जो एंगल है उसके बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इसका प्रूफ तो हम देखने ही वाले हैं, एक तरीके से इसको आप एक्जियम समझें, है ना। एक्जियम में और आपका थ्योरम में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, थ्योरम का तो प्रूफ होता है, पर लेकिन एक्जियम यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके से, ये मान लीजिए, है ना। एक्जियम वगैरह का कोई प्रूफ नहीं है। जैसे ये आपकी एक एक्जियम है SAS, है ना। तो जैसे मान लीजिए, अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि भाई सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, प्रूव डैट सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, तो व्हाट इज द आंसर, है ना, व्हाट इज द प्रूफ। तो फर्स्ट यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, सी द सन डेट विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, खत्म। तो क्या करोगे, मॉर्निंग में जगिए, देखिए कि सूर्य आपका ईस्ट से ही उगता है। तो ऐसे ही अगर ऐसे इस कॉन्ग्रेंसी की बात करूं तो क्या करूंगा, दो ट्राइंगल बनाऊंगा जिसमें दो साइड बराबर ले लूंगा, एंगल भी बराबर ले लूंगा, और बोलूंगा अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या ये कोई प्रूफ है क्या, कुछ कोई प्रूफ नहीं है। एक को लिया, उसके ऊपर रख दिया सुपर इम्पोज करके, आपने बोल दिया क्या है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो एक तरीके से एक्जियम है, और सारी जो भी आपकी कॉन्ग्रुएंसी आएंगी उन सबका प्रूफ है, पर लेकिन SAS का नहीं है। बस आपको क्या बोल दिया जाएगा, इसको इसके ऊपर रख दीजिए, वो कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, है ना। तो ये देखिए, अगर दो ट्राइंगल, आपका स्टेटमेंट लिख लीजिए और दो ट्राइंगल मैं आपको बना देता हूं, उसका प्रूफ फिर हम देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में एक ट्राइंगल ABC है और यहां पर ट्राइंगल PQR है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ABC ट्राइंगल है उसको PQR के ऊपर रखिए, या DEF भी मान लीजिए, कोई बात नहीं है, DEF ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे DEF लिया मैंने, है ना। चलो भाई, अगर DEF लिया मैंने, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर ओवरलैप कराया, इसके ऊपर रखा, तो प्लेस सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रूफ देखिए इसका कैसे होगा। प्रूफ नहीं है वैसे, पर लेके लिख रहे हैं। तो ये देखिए, प्लेस ट्राइंगल ABC ओवर ट्राइंगल DEF, ठीक है,
ट्राइंगल डी ई एफ के ऊपर रखो, ऐसे रखना है कि जो ए पॉइंट है वो आपका डी पे फॉल करना चाहिए, ए पॉइंट डी पे फॉल करना चाहिए और जो ए बी है वो डी ई के ऊपर आए, ऐसे रखो। अभी इनकी टेक केयर मत करो कि जो ए सी इसके ऊपर आएगा बी सी इसके ऊपर आएगा, इसका नहीं केयर करना है। आप इसका केयर करो भाई, इसको इसको लेके यहाँ पे रख दीजिए और ए बी को डी ई के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो सच डैट ए फॉल्स ऑन डी एंड ए बी फॉल्स ऑन डी ई, बस इतना सा ध्यान रखिए। अब ये देखिए, अगर मेरा ए डी पे फॉल कर रहा है और मेरा ए बी है वो डी पे फॉल कर रहा है ना, और ऐसे फॉल कर रहा है कि जो ए बी का लेंथ है वो डी के बराबर है, इतना लेना है आपको, है ना, इतना क्या करना है, लेना है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके ऊपर पूरी की पूरी ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ए इसके ऊपर आ गया और ये लेंथ इसके बराबर है, इसका मतलब बी पॉइंट मेरा ई पे आ जाएगा। अरे भाई आप खुद देखो, ये पॉइंट इसके ऊपर आ गया, ये लेंथ इसके बराबर है, तो बी पॉइंट ई के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिखिए, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए फॉल्स ऑन डी, सो बी फॉल्स ऑन ई। ये किस पे फॉल कर जाएगा, ई पे फॉल कर जाएगा आपका। चलो भाई, ये आपका ई पे फॉल कर गया। अब ये देखिए, ये जो बी ई पे फॉल किया और मेरा जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल बी है वो मेरा ई के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल मेरा बी है वो ई के बराबर है, तो क्या बच्चों, अगर ये वाली लाइन इसके ऊपर फॉल की और ये एंगल अगर इसके बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बी सी है वो इसके बराबर आ जाएगा। बी सी किस पे फॉल करेगा, ई एफ पे फॉल करेगा, ठीक है। देखो ऐसा ही है प्रूफ, है ना, इसका कोई लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा भाई, कि अगर इसको इसके ऊपर करा दिया और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसमें एंगल बराबर रखा, तो ये क्या करेंगे, ये बी सी जो लाइन है वो ई एफ पे फॉल करेगी, ठीक है। चलो, तो सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, देन बी सी फॉल्स ऑन ई एफ, ठीक है। बी सी किस पे फॉल कर जाएगा, ई एफ पे फॉल कर जाएगा। अगर मेरा जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है ना, अगर मेरा बी सी है वो ई एफ के बराबर है, ये कैसे बराबर आया, ये देखो, इसने बोला दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल वो क्या है, बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं। तो ये क्या मैंने किया, मैंने मान लिया कि जो ए बी है वो मेरा डी के बराबर है, जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, यहीं से तो आ रहे हैं बच्चों ये बराबर, आपने देखा नहीं। अगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ए को डी पे फॉल कराया था और बी मेरा ई पे आया, वो कैसे आया था, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी ई था, क्योंकि उसने बोला है भाई दो साइड बराबर लो, एक इनक्लूडेड एंगल बराबर लो, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने ए बी को डी पे फॉल करा दिया, बी सी को मैंने ई एफ पे फॉल करा दिया और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। चलो, तो अब मेरा सिंस एंगल बी एंगल ई के बराबर है, देन बी सी फॉल्स ऑन ई एफ, तो जो बी सी है वो ई एफ पे फॉल कर जाएगा, और जो मेरा सिंस बी सी इज इक्वल टू ई एफ, देन सी फॉल्स ऑन एफ, तो सी किस पे फॉल कर जाएगा, एफ पे फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो सी किस पे फॉल कर जाएगा, एफ पे फॉल कर जाएगा, और बी सी पूरा का पूरा ई एफ पे मर्ज कर जाएगा, बी सी किस पे मर्ज कर जाएगा, ई एफ पे कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों, ए मेरा यहां पे आ गया और सी मेरा एफ पे आ गया, इसका मतलब ए सी मेरा डी एफ के साथ में मर्ज हो गया। अगर ए सी डी एफ के साथ में मर्ज हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ए सी है वो डी एफ के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। यहां पर क्या करना है, सी को एफ पे फॉल करा दिया था, तो जो ए सी है वो डी एफ पे मर्ज कर गया, तो एज ए फॉलिंग ऑन डी एंड सी फॉलिंग ऑन एफ, सो ए सी मर्ज विद डी एफ,
देयरफोर आप बोल सकते हो यहाँ से जो AC है वो DF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों AC DF के बराबर आ गया, ये मेरा इसके बराबर, ये मेरा इसके बराबर, इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल सा है ना, तो वैसे कोई प्रूफ नहीं है पर लेकिन इसी तरीके से किया जाता है इसको। तो ट्रायंगल ABC कोइंसाइड विद ट्रायंगल DEF, देयरफोर का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, देयरफोर इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर वो क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं दो ट्रायंगल, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि देखो बच्चों AB मैंने इसके ऊपर तो करा ही दिया, BC मैंने इसके ऊपर करा दिया, और जो AC है वो मैंने DF के ऊपर तो अभी अभी करा दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये SAS का एक प्रूफ ही मान लीजिए या ये एक्जियम है, बस बता दिया है कि सुपरइम्पोज तरीके से होने वाला है। इसके बाद में जो ASA है उसका प्रॉपर वैलिड आपका प्रूफ है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। Now I'm erasing it, कर लिया होगा आप सबने, देखिए। तो ये देखिए इसमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर 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 मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल हैं जिसमें इस एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच में जो भी साइड आ रही है वो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल उसके बीच में जो साइड आ रही है उसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका प्रूफ क्या है और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो पहले तो इधर देखिए। मान लीजिए मैंने कोई दो ट्रायंगल ले लिए, एक ये ले लिया और एक को ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। मैंने ले लिया AB और C और यहाँ पे D और E और यहाँ पे F ले लिया, ठीक है। मैंने बोला बच्चों अगर मान लीजिए ये मेरा B है वो एंगल इसके बराबर है और जो मेरा C है वो इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, ये आपको गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें क्या है बच्चों, ये जो AB साइड है और जो ये DE साइड है इसमें तीन पॉसिबिलिटी तो बन सकती हैं। मान लीजिए या तो AB इससे बड़ा होगा, या AB इसके बराबर होगा, या AB इससे क्या होगा, छोटा होगा। ये तीन आपकी कंडीशंस बन सकती हैं यहाँ पे। तो पहला कंडीशन अगर मैं लूँ, मान लीजिए मैं AB को DE के बराबर ले लेता हूँ, है ना, इक्वल। तो केस फर्स्ट, If AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, अब ये देखो मेरे पास में एंगल B है, वो मेरा एंगल E के बराबर है, कैसे बराबर है वो आपको पता होना चाहिए। और AB इज इक्वल टू DE, ये तो मैंने क्या कर लिया, अज्यूम्ड, ठीक है, ये पहले केस में अज्यूम कर लिया। एंगल B मेरा किसके बराबर है, एंगल E के, कैसे, क्योंकि ये तो गिविन था। और जो BC है वो EF के बराबर है, जो BC है वो EF के बराबर है, ये कैसे, ये भी मेरे को गिवन है, क्योंकि मेरे को तीन चीज गिवन है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, इसको मैंने यूज कर लिया। अब ये देखो क्या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस यहां पे लग रही है, ये देखो साइड इसके बराबर, एंगल इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, तो एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से केस में, जब मैंने AB इज इक्वल टू DE लिया है। अभी दो केस बाकी हैं, ठीक है, तो ये देखिए, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। चलो भाई पहला पार्ट तो ये ले लिया हमने, ठीक है, केस फर्स्ट हो गया हमारा। नाउ सी केस सेकंड, तो नोट इट डाउन बाय स्टॉपिंग वीडियो। मान लीजिए केस सेकंड मैंने लिया, इफ AB ग्रेटर देन DE, AB ग्रेटर देन है DE से। अगर AB ग्रेटर देन DE है तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसमें ये करूंगा कि मैं एक ऐसा पॉइंट लूंगा AB पे कि उसका B से जो डिस्टेंस है वो DE के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो हम कर देंगे बराबर, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। तो पॉइंट देखिए कैसा लोगे, यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट लिया, ठीक है, ये C हो गया आपका, ये यहां पे कोई H पॉइंट ले लिया, ठीक है आपने, ठीक है, ये आपका कोई H पॉइंट हो गया, पर लेकिन ये H पॉइंट ऐसे लिया है कि जो आपका BH है वो मेरा DE के बराबर होगा, ठीक है, ये ऐसे करके आपको लेना है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत
केयरफुली करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन पहले लिख लीजिए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगा इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या है के सेकंड में, कि टेक पॉइंट एच ऑन ए बी सच डेट जो आपका एच बी है, ये जो एच बी है वो मेरा डी के बराबर आ जाए। ठीक है, चलो भाई ये तो बराबर आ गया। और फिर उसके बाद हम क्या करूँ, H को C से ज्वाइन कर दूँ, और ज्वाइन H C, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। चलो भाई इतना समझ में आ गया होगा। अब ये देखो बच्चों, मैंने बी एच मैंने डी के बराबर ले लिया बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो जो बी एच है, ठीक है, वो मेरा डी के बराबर आ गया बाई कंस्ट्रक्शन। चलो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, क्यों है थोड़ा सोचिए, आप सोच लिया होगा। देखिए एंगल बी एंगल ई के बराबर ये क्या है, गिवन। ऐसे ही जो बी सी है वो मेरा ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर। ये भी क्या था, ये भी मेरे को गिवन था। अगर ये बी सी ई एफ के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और बी एच मेरा डी के बराबर है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, है ना, ये बाई एस ए एस। इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल एच बी एच बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल मेरा डी ई एफ के, डी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई एस ए एस। पर लेकिन मेरे को तो ए बी सी और डी एफ करना था, कोई बात नहीं कर देंगे। देखो अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल वो इसके बराबर होगा एफ के बराबर। ठीक है, वो कैसे होगा, सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। सीपीसीटी करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं बच्चों, वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो ट्राइंगल ये हैं, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी, ये आपका ई, ये आपका एफ। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है ए डी से मैच कराना, बी को ई से मैच कराना, या ए डी ए बी है वो इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। अगर मैंने बोला भाई मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका ये वाला एंगल होगा एच सी बी एंगल मेरा डी एफ ई के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एच सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। ये कैसे आ गया आपका, बाई सी बी सी टी। चलो इतना आ गया समझ में। अब ये देखो, शुरुआत में अगर आप ध्यान से देखो इस वाली थ्योरम में, इसमें बोला था दो एंगल बराबर है, तो एंगल सी जो है वो मेरा एफ के भी बराबर है, मतलब ए सी बी, ए सी बी किसके बराबर है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर है, वो डी एफ ई के, डी एफ ई के बराबर। ये क्या था, मेरे को गिवन था। चलिए ठीक है, ये मेरे को गिवन था। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो, जो ए सी बी है, ए सी बी, ए सी और बी है ना, ए सी बी मेरा डी एफ ई के बराबर है, एस सी बी मेरा डी एफ ई के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, तो इन दोनों इक्वेशन से, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से डेट कि जो एस सी बी है वो मेरा ए सी बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डी एफ ई बराबर है, तो एस सी बी मेरा ए सी बी के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो एस सी बी है वो मेरा एंगल ए सी बी के बराबर आ गया। अब ये देखो बच्चों, अगर एच सी बी और ए सी बी ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब एच पॉइंट को यहां पे होना पड़ेगा। आप खुद मानिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, मैंने बोला भाई, मैंने बोला मान लीजिए आपका 15 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। मैंने बोला अगर ये एंगल आपका पूरे के बराबर है, जो कि हो नहीं सकता, अगर ये एंगल इसके बराबर है, तो इस H को A पे होना ही पड़ेगा, इस H को A पे होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये जो एंगल है इसके बराबर आएगा। अदरवाइज 15 डिग्री और 20 डिग्री बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर ये H पॉइंट यहां पे चला जाएगा तो दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, है ना।
मान लीजिए ये जो H है अगर यहाँ पे चला गया तो वो भी क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। इसलिए अगर H मेरा यहाँ पे लाई करना चाहिए, तो अगर मेरा H यहाँ पे लाई करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई इसका मतलब SCB इज इक्वल टू ACB देन या ये लिख सकते हैं दिस मीन्स जो H पॉइंट लाए ऑन A, जो H पॉइंट है वो A पे लाई करेगा। अगर H पॉइंट A पे लाई करेगा तो क्या बच्चों जो मेरा BH है क्या वो मेरा BA बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो मेरा यहां से जो BH है देन यहां से जो BH है वो मेरा बन जाएगा BA, खत्म बात। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा जो BH है वो मेरा BA के बराबर आ गया, BH BA के बराबर आ गया, पर लेकिन मेरे को ये भी पता है एंड कि जो BH है वो मेरा DE के बराबर है, DE के बराबर है BH कहां से? यहां से। ये मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू लिया था, है ना, कंस्ट्रक्शन के थ्रू BH को DE के बराबर किया था, ये बाई कंस्ट्रक्शन आया था मेरे पास में। ठीक है, और ये मेरा अभी अभी आया यहां से। ठीक है, तो यहां से BH BA के बराबर है, BH DE के बराबर है, तो देन आप क्या कह सकते हैं, देन BA इज इक्वल टू DE, ये आप बोल सकते हो। अगर बच्चों BA मतलब ये पूरा मेरा DE के बराबर है, इसके बराबर है क्या मेरा BA? ठीक है, पूरा का पूरा DE के बराबर है, तो क्या करोगे? देखो ये ए बी मेरा डी के बराबर है, बी सी मेरा ई एफ के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या यहां से जो ए बी सी है वो डी एफ के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा बी ए मेरा डी के बराबर है तो इधर से मैं मिटा रहा हूं। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बस बेसिकली मैंने किया क्या है इसमें, एक मैंने ए बी साइड पे एच पॉइंट ले लिया है, ऐसे लिया कि जो एच बी है वो इसके बराबर हो, मैंने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बोला भाई ये जो एंगल है छोटा सा वो इसके बराबर हो जाएगा, पर लेकिन मेरे को ये भी दे रखा था कि जो पूरा का पूरा एंगल है वो इसके बराबर है। अगर पूरा एंगल इसके बराबर है इसका मतलब एच को यहां पर होना ही पड़ेगा, एच मेरा यहां पर हो गया तो मेरा जो बी एच है वो ए बी के बराबर आ गया, पर लेकिन जो बी एच है वो मेरे को डी के बराबर दे रखा था कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो बी एच डी के बराबर भी है, बी एच ए बी के बराबर भी है, इसका मतलब बी ए मेरा डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो अगर मेरा बी ए डी के बराबर है, बी ए मेरा डी के बराबर है और जो मेरा बी सी है वो मेरा ई एफ के बराबर है, ये तो गिवन था, और ऐसे ही एंगल बी मेरा एंगल ई के बराबर है, ये भी गिवन है, तो क्या अगेन मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दिस इज आवर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जिसको आप बोल सकते हो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, नहीं आया मैं बच्चों फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अब वीडियो को दोबारा देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिक फंडा मैंने लिया है वो कंपेयर करके लिया चीज़ों को और हो भी गया। इसके बाद में जो आपकी आती है ए ए एस एंगल एंगल साइड, वो इतना हार्ड नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा वो प्रूव। ठीक है, अरे रुको 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 एक मिनट, एंगल एंगल साइड क्यों? अभी सेकंड पार्ट ही तो क्या है हमने, ये कौन सा केस सेकंड, अभी केस थर्ड भी तो बचा। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, ये मैं मिटा रहा हूँ। केस थर्ड देखिए पहले, देखो बच्चों केस थर्ड में क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो लेस देन डी ई हो जाएगा। अगर बच्चों ए बी लेस देन डी ई हो गया कोई बात नहीं, अब की बार डी ई बड़ा है तो आप क्या करो, डी ई पे पॉइंट ले लीजिए, खत्म बात, डी ई पे पॉइंट ले लीजिए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपने डी ई पे एम पॉइंट लिया कोई एम पॉइंट, पर लेकिन इस बार एम पॉइंट ऐसे लेना है कि जो मेरा एम ई है वो मेरा ए बी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस बार क्या करोगे आप, तो टेक पॉइंट एम ऑन साइड डी ई सच डेट जो मेरा एम ई है वो मेरा ए वी के बराबर आ जाए, एंड ज्वाइन, तो ज्वाइन कर दो किसको, एम को एफ से ज्वाइन कर दो, पहले तो एम को एफ से ज्वाइन कर दीजिए,
इसके बाद में अगर आपको ध्यान हो तो ये जो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वही चीज मैंने अभी सेकंड पार्ट में की थी। वो कैसे किया था, जो एम ई है वो ए बी के बराबर आ गया, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर गिवन है, तो ऐसे ऐसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, छोटे वाले के बराबर, और एफ जो एंगल है वो सी के बराबर पहले से ही दे रखा है, इसका मतलब एम को डी पे ही होना पड़ेगा। सबके सब सेम स्टेप है, पर लेकिन आप पूरा ना करें, पहले आप ये स्टेटमेंट लिख दें, फिर लिख दीजिए देन रिपीट केस सेकंड, केस सेकंड में जो भी किया था उसको रिपीट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका केस थर्ड हो गया। इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि केस सेकंड में ऐसे ही हमने पूरा देखा था, ठीक है। चलो तो इसके बाद में आपका आता है ए एस ए के बाद में एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट नोट इट डाउन, देन वी विल सी दैट। चलो कर लिया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर थर्ड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ऑल्सो कॉल्ड ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो फर्स्ट रीड द डेफिनेशन, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ एनी टू एंगल्स, है ना, एनी टू एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। कोई भी ट्राइंगल लीजिए, उसके कोई भी दो एंगल पहले सेलेक्ट कर लो। अब उसके बाद में जो साइड ले रहे हो वो करस्पॉन्डिंग साइड, कोई सी भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, वो बराबर होनी चाहिए। तो उसमें बोला जाता है एंगल एंगल साइड। जैसे मान लीजिए ए बी सी और आपका डी ई एफ, तो आपको गिवन क्या है वो ये बोल रहा है। मान लीजिए भाई आपने ये एंगल इसके बराबर लिया आपने, ठीक है, और ये जो एंगल है वो आपने इसके बराबर लिया, और आपने ये जो साइड है वो आपने इसके बराबर ले ली। तो वो कह रहा है अगर मान लीजिए आपने एक एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो एंगल एंगल साइड। इससे पहले क्या देखा था हमने, एंगल साइड एंगल, इस बार क्या है एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो इसमें अगर ये बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, डेट वी हैव टू प्रूफ। देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चों जी सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और बी सी इज इक्वल टू एफ ई या ई एफ कर लीजिए, ठीक है। और टू प्रूव में देखिए क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, और प्रूफ देखिए कैसे होगा। अगर बच्चों जी अगर आपको ध्यान हो इससे पहले चैप्टर में, है ना, एनसीईआरटी में जो दे रखा है सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये बताया था, है ना, नहीं बताओ तो देखो, तीनों एंगल का सम 180 और तीनों एंगल का सम 180, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, पहला इक्वेशन, ठीक है, इसमें लिख देना सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसे ही एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ, वो मेरा 180 के बराबर होगा। ये कैसे आ गया सेकंड वाला, ये भी सेम रीजन, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, मेरे को गिवन क्या है उसका मैं यूज करता हूँ यहाँ से। मेरे को जो गिवन है वो ये है कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी मेरा एंगल ई के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, आप एंगल डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल ए लिख सकते हो। एंगल ई किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, और एफ का तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप घूर घूर के देखो ध्यान से, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन है, थर्ड वाली इक्वेशन और फर्स्ट वाली इक्वेशन, क्या आप देखो, ये एंगल ए एंगल ए बराबर हो गया, ये एंगल बी बराबर हो गया, ये एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, यहाँ पे 180 180 के बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल सी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, तभी ही ये इक्वेशन इसके बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंगल सी, ये जो एंगल है
वो एंगल एफ के बराबर आ गया। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो क्या ए एस ए लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इसका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो भाई ए एस ए हम ये कह सकते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाई बाई ए एस ए। रुको एक मिनट, डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि देखो पहले आपको शो भी तो करना पड़ेगा। यहाँ से जो एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है? गिविंग। और जो बी सी है वो मेरा ई एफ के बराबर है, ये भी क्या है? गिविंग। अभी अभी एंगल सी एंगल एफ के बराबर निकाला है यहाँ पे, है ना, अभी अभी निकाला है। तो कितना आ जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है? प्रूव्ड अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। मेजरली जो रीजन है बाई ए एस ए, ठीक है बाई ए एस ए। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट लेके आने थे मेरे को, तो किसका यूज करके? इस वाली इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैं लेके आ गया, खत्म बात, ठीक है। तो अब ये तीन सिंपल कॉन्ग्रेंसी हैं। अब बच्चों जी, है ना, जो बच्चे 2021 में पेपर देने वाले हैं, या आपको पता होगा ये जो सेशन है कोविड की वजह से, है ना, स्कूल नहीं खुल पाए तो इसलिए सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। तो इस ट्राइंगल चैप्टर में आपका जो ए एस ए मैंने कराया था, अभी क्या ये ए एस, जो ए एस ए है वो नहीं आएगा आपका, है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे ए एस ए के रिलेटेड, पर मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। तो नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस ऑल थ्री टॉपिक्स, तो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।